आप हैं श्री सुशील कुमार जैन जी, फर्म मुकुल एंटरप्राइजेज। आप दालों एवं चावल के इंपोर्टर एवं थोक विक्रेता हैं। आप सन 1985 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित व्यवसायी, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। जय जिनेन्द्र। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मेरा अभिनंदन आभार प्रकट करने का कार्यक्रम नया बाजार में लगभग 3-4 महीनों से चल रहा है। इस कड़ी में लाला ओम प्रकाश जी, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान, जो दो वर्ष तक दो बार जो जीत के आए, उनका परिचय, उनका आभार अभिनंदन कुछ दिन पूर्व किया था। बाकी मुझे खेद रहा, दुख रहा कि मैं उनको सुना नहीं पाया, और उनके जैसे ही मुझे समाचार मिला सबसे बड़ा घात मेरे को पहुंचा। और दो दिन बाद ही मैं सुशील जी से बात करी, मैं सुशील बाबू ये क्या हो गया, बोले अंकल जी जो लिखा होता वो कोई मिटा नहीं सकता, आपके ऊपर तो उनका विशेष प्रेम रहता था, हमारा पूरा परिवार का ये कह सकता हूँ, चाहे जनेंद्र भाई हो या सुरेंद्र हो, चाहे मैं हो, सबका श्रेय आपके ऊपर हमेशा रहा है, और पिताजी का तो रहा ही रहा है, आज हमारे बीच में नहीं है, पर आपका आशीर्वाद हमारे पास साथ रहेगा। ऐसा इनके सब जैसे जो मैंने कहा कि सुशील जी एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, आज इनसे रूबरू कर रहा हूँ, उनका आभार प्रकट अभिनंदन कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं 13वें के बाद में पगड़ी रसूख अदा करते हैं, आज मैं उनको जिम्मेवारी समाज में व्यापार की दोनों को देने जा रहा हूँ कि ये व्यापार और समाज में उनके पद चिन्हों पर चलें। कि भैया सुरेंद्र का, नरेंद्र जी का भैया का तभी ठीक रहती नहीं है, सुरेंद्र जी अपने व्यापार में लगे हुए हैं, यही एक बाजार में रहते हैं, इनको मैंने लिया और इनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद कह सकता हूँ, ये मानते भी हैं कि पिताजी की तरह आप मुझे आशीर्वाद दिया, आप देते रहोगे, तो वही मेरी प्रेरणा है कि समाज और व्यापार में लाला जी के दिखाए मार्ग पर चलें। मुझे उम्मीद है कि उसी करीब है ये खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, और आज इनका अभिनंदन आभार प्रकट इसलिए कर रहा हूँ कि बाजार के नाते इनका भी मेरा काफ़ी पुराना संपर्क है, जब भी आता था लाला कहता भी सुशील ऊपर बैठा भाई चला जा, समय समय भी विज्ञापन देती रहे ये, तो आज मैं इनसे रूबरू करके लाला जी के अनुपस्थिति में प्रथम बार इनका आभार अभिनंदन कर रहा हूँ। भाई साहब जय जय जिन जी, आप तो हमारे परिवार के पुराने मित्रों में से, सदस्यों में से एक तरह से रहे हैं, और पिताजी का तो हमेशा आप पे आशीर्वाद और प्रेम एक अलग ही था जो मुझे लगता था उस बाजार से, और उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने व्यापार जगत के लिए जो किया, जैन समाज के लिए जो किया, व्यापार में भी यहाँ पे भी दो बार प्रधान रहे, व्यापार मंडल में भी संरक्षक रहे, और जैन समाज में भी, महासंघ में भी जैन अध्यक्ष रहे वो 87-88 में, और उन्होंने अपने जैन समाज में भी बड़े काम जो किए बढ़ चढ़ के आगे, और उनको पूरा समाज और पूरा बाजार मेरे हिसाब से उनके सबके दिलों में उनकी इज्जत हमेशा बनी रहेगी, और ऐसे ही हम ये चाहते हैं, और उनके जो मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें दिखाया है मार्ग, उस पर हम चलेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि उनके परचिनों पे चलना है, तो हम बिल्कुल चलेंगे, तो और आपके प्रकाश जी का तो विशेष ही है, इनका बड़ा उठना बैठना, हाँ बड़ा पुराना जी, मुझे याद है मॉडल बस्सी हम जाते थे तो लाला प्रकाश जी हमारे घर आते थे स्कूटर पे, अच्छा टू व्हीलर पे जी, उस टाइम की बहुत, मतलब उस समय तो क्या कहें जी, कुछ था ही नहीं जो भी था, और कहाँ आज वो पहुँचे और कहाँ पिताजी,
मतलब तक की दोनों ने आखिर टाइम से संबंध उनका बराबर ही रहा बराबर रहा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल उनका जो पिताजी बड़े थे मेरे ख्याल से पिताजी बड़े थे पिताजी 17 सितंबर 2019 को 82 के हो जाते पूरे 82 होते हैं हां जी 82 में रनिंग थे काफी बड़े थे 5-6 साल बड़े थे 27 अगस्त को जो उनका अभी देवलोक हुआ है मतलब स्वर्गवास हुआ है तो वो उसमें 20 दिन पहले ही समझो आप वो नहीं तो 82 के पूरे हो जाते पर उन्होंने अपने जीवन में जो किया हम चाहते हैं कि अपना पूरे परिवार के और लोगों के साथ समाज के आप जैसे सबके साथ मिलके चलें और उनके मार्ग दिखाए हुए मार्ग को आगे हम उसमें चलें और उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करें। अभी क्या काम कर रहे हैं आपके कैसे अभी मेरा यहाँ पे दालों का काम है जी दालों की प्रोसेसिंग है और हैंड पिकिंग का काम है और इम्पोर्ट का काम था पर इम्पोर्ट का अभी तो ठंडा हो गया है कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण तो अपना काम ठीक है शोकरपा से दाल रोटी का काम है चल रहा है जी सब परिवार में सब परिवार सब कुशल है जी सारा परिवार इतना छोड़ के गए हैं कि मेरे ख्याल से अगर हम जिंदगी भर भी खाते रहें तो इतना वो छोड़ के गए हैं अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ा है उन्होंने अपने पीछे मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है हमारे सर पे कि वो जो छोड़ के गए हों सब असेट ही असेट है चाहे वो मान सम्मान में हो चाहे व्यापार में हो चाहे मान इज्जत में हो चाहे जैन समाज में हो और चाहे पैसे में हो सब चीजें इतनी छोड़ के गए हैं सब भरा बुरा छोड़ के गए हैं हमारे बच्चे भी हम वो सब उनको इतना मानते हैं कि बहुत ज्यादा बल्कि मेरा छोटा बेटा है तो रात को रोने लगा एक दिन अच्छा वो ज्यादा हुआ था तो सबके घरों मतलब दिलों में हमारे घर में सब में ये कि सबको बड़ा आघात लगा है पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलता किसी का नहीं चलता बाकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और वो स्वर्ग में जी और हम यहाँ नरक में मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है बिल्कुल आपका बेहतर रहेगा आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद अब हमें चाहिए क्योंकि आप हमारे बड़े हैं बस बस बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है बहुत बहुत जय जी